हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज एक नए वीडियो में हम फोटोशॉप के अंदर किसी भी इमेज का या किसी भी प्रोडक्ट का पीएनजी बनाकर देखेंगे। पीएनजी कैसे बनाया जाता है ये आपको आज पूरी तरीके से फोटोशॉप में क्लियर हो जाएगा। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है पीएनजी फाइल कैसे बनती है। कुछ लोग ऑनलाइन उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं रह जाती है, क्वालिटी डिम हो जाती है। तो इसीलिए आज हम बताएंगे फोटोशॉप के अंदर बहुत ही आसान तरीके से आप पीएनजी को बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मेरे पास एक प्रोडक्ट इमेज है और ये पीएनजी फाइल है। पीएनजी फाइल का यूज क्या होता है, जैसे अगर कोई बैनर पोस्टर बना रहे हैं तो उसमें पीएनजी फाइल यूज की जाती है। आप उसको जितना वो फाइल है, जितना उसका इमेज है, उतना ही पार्ट अगर आपको चाहिए तो उसको आप ड्रैग करके और उसमें यूज कर सकते हैं। इसको पीएनजी बोलते हैं। तो इस तरह से आप पीएनजी फाइल को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक फाइल ले लेता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ जिसका मुझे पीएनजी बनाना है। तो फाइल में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई एक इमेज ले लेते हैं। चलिए मैं यहाँ से ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ये वाली, और इसको मैं ओके करूँगा, ठीक है। तो अभी इस इमेज को मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। इमेज में जाएंगे और रोटेट कैनवास पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको रोटेट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसका पीएनजी बनाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फोटो में जो भी करेक्शन आपको करना है वो कर लीजिए। जैसे कि इसकी लाइट बढ़ानी है तो लाइट बढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर इसमें कलर करेक्शन करना है या कलर बैलेंस सेट करना है तो आप इसको कंट्रोल वी से कलर बैलेंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस तरह से इसको जब डायमीटर घुमाएंगे तो इसका कलर बैलेंस यहाँ पे सेट होगा और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद में आपको पेन टूल पे जाना है, या कीबोर्ड में आप पी प्रेस करेंगे तो पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पेन टूल आ गया और यहाँ आपको ध्यान रहे कि ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसमें पाथ लिखा हुआ है। पाथ पे सिलेक्ट क्लिक कर देंगे और उसके बाद में हम इसको इस तरह से कट करेंगे, ठीक है। ये मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ इसका, इस तरह से यहाँ से इसको भी मिला देंगे। जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं पे आपको इसको मिला देना है, ठीक है। तो ये मैंने मिला दिया। उसके बाद में आपको राइट क्लिक करना है और मेक सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फीडर दे देना है। फीडर क्या काम करता है, आपके अगर इमेज में कुछ क्वालिटी डिम है तो आप उसको जो है फीडर दे देंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाएगा जो कॉर्नर होता है उसका। तो यहाँ पे टू मैंने प्रेस कर दिया, टू फीडर दे देता हूँ, ओके पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सिलेक्शन बन के चलने लगा है और इस सिलेक्शन को आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल एन कर देंगे, ठीक। कंट्रोल एन किया तो यहाँ पे ये बॉक्स आ गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सबसे नीचे आपको ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आप फाइल का नाम देना चाहें तो यहाँ पे फाइल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैंने पीएनजी दे दिया है। तो जितना आपका सिलेक्शन बना हुआ है उतना ही एरिया यहाँ पे अपने मन से, जब कंट्रोल सी आपने किया तो यहाँ पे इतना हाइट वेट जो भी है इसकी यहाँ पर आ गई है। उसके बाद में ओके कर दें, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद में मूव टूल पे जाएंगे और इस पर फिर से आएंगे इस वाले पे और कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक। कंट्रोल वी कर देंगे यानी पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये फाइल है वो पीएनजी में आ गई है, आप देख सकते हैं इस तरह मूव हो रही है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे कोई भी फाइल हम लेते हैं, कंट्रोल एल से एक न्यू फाइल लिया और यहाँ से 8x10 की मैंने यहाँ फाइल ले लिया। उसके बाद में बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो ये हमारे पास आ गई, कौन सी फाइल है, ब्लैंक पेज है, ठीक है। तो अब इसको मैं यूज इसलिए करूँगा, ऐसे करूँगा कि इसको मैं इसमें ड्रैग करके ले आऊँगा। देखिए फाइल थोड़ी लार्ज है, कैमरे से खींची गई फोटो है तो टाइम लगता है। ये देखिए आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, जहां कहीं आप चाहें सेट कर सकते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करके अगर देखें तो जी प्रेस करेंगे और यहां से, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है इसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं है। तो एक तो इस तरह से पीएनजी बनता है। दूसरा पीएनजी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। तो
तो इसको मैं कट करूंगा यहाँ से सारी इमेज। एक तो ये तरीका हो गया पेन टूल की सहायता से आप पीएनजी बनाएंगे, और एक नया तरीका और कंट्रोल वो करेंगे, यहाँ से कोई भी फाइल हम ओपन करेंगे डेस्कटॉप से, जिसे मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का है, तो सबसे पहले आपको इसको डबल क्लिक कर लेना है, लॉक खुल जाएगा इसका और उसके बाद में ये मूव हो जाएगी। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि एक ही कलर को ये पिक करेगा, अगर एक कलर है तो आपको एक ही सेकंड में डिलीट कर देगा। ठीक है, तो वो टूल है वैन टूल, वैन टूल की सहायता से, ये जो मैजिक वैन टूल है इसकी सहायता से आप इस पर पीएनजी बना सकते हैं। तो देखिए एक कलर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया एक कलर यहाँ पे वाइट है सिर्फ, और इसमें कोई कलर नहीं है, तो इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो ये जितना वाइट वाला पोर्शन है सारा ये सिलेक्ट कर लेगा अपने आप ऑटोमेटिक। उसके बाद आपको सिंपल सा डिलीट बटन दबा देना है और डिलीट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो दूसरा कलर था वो यहाँ पे बच रहा है, और एक ही तरह का कलर है तो ये कैसे जाएगा, तो ये सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी करेंगे, उसके बाद में एक ही कलर है तो इस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे इस तरह से, तो ये डिलीट हो जाएगा इस तरह से, एक कलर जो सिंपल सा है। ठीक है, ये कलर सारा मिट गया है, अब ये भी पीएनजी बन गई है आपके सामने, इसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो हट गया है। अब इसको भी आप यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एन करेंगे और यहाँ से कोई सी भी साइज में ले लूंगा और रेजोल्यूशन इसको 300 कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब ये भी फाइल यहाँ पे देखिए पीएनजी आ गई है, इसको भी आप सेट करके इसके बारे में लिख सकते हैं, जो भी जिस तरह से आप यूज कर पाए इसको यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी फोटो वगैरह बनाई जाती है इसी प्रकार से फोटो भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये दो तरीके से क्लियर हो गया फोटोशॉप या पीएनजी कैसे बना सकते हैं। तो ये लास्ट तरीका है, इसमें आप सिंगल कलर ही आप इसमें एडिट कर पाएंगे, क्योंकि सिंगल कलर होगा तभी वो सिलेक्ट होगा, दो तीन कलर अगर है तो उसमें टाइम भी लगेगा। तो इससे अच्छा आप उसको पेन टूल से काट लीजिए, उसके बाद में उसका पीएनजी बना लीजिए। सिंगल कलर के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैजिक पेन टूल आप इसको यूज करें। तो दो तरीके से पीएनजी हमने बनाना सिखा दिया है, आप इसको ट्राई कीजिए।